अभी हमारे बीच आदरणीय आचार्य परमानंद जी कटनी मध्य प्रदेश से पधारे हैं। इस विषय पर वे अपना दिव्य उद्बोधन देंगे। आदरणीय आचार्य परमानंद जी से मैं निवेदन करती हूँ अपना वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री शिवाय वयम नमः। सम्मानित मंच, परम आदरणीय हमारे आज के मंच के महान विभूतियों में से महामंडलेश्वर स्वामी सतगुरु जनमेजय जी महाराज और अयोध्या से पधारे हुए जगतगुरु स्वामी ओमकारेश्वरानंद जी महाराज और तमाम हमारे महान विभूतियों को हमारे सभी के चरणों में हमारा सत सत कोटि कोटि नमन और परम आदरणीय राजयोगी इस मंच के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी को भी हमारा सत सत नमन और हमारी ममतामयी करुणामयी हमारी आशा दीदी को जिन्हें हम जगदम्बा भी कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, आपको हमारा सत सत नमन। और जहाँ तक हमने देखा अभी गीता पर आखिरी में हमको परमात्मा ने मौका दिया है और हमें इस चीज़ का दुख भी है और एक प्रकार से हर्ष भी है। शिव बाबा भी ऊपर से देख करके ये कार्यक्रम हंस रहे होंगे कि शिव बाबा को शिव बाबा के बच्चे तरह तरह से सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हमारे सभी मनीषियों ने सभी विद्वानों ने अपनी अपनी मत कही, हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। गीता पे सारे पहलुओं को सभी ने छू लिया है और लेकिन जो मुख्य विषय आज का है कि निराकार परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं, उसका नाम रूप से सबसे न्यारा है। सबसे पहले तो निराकार को समझना पड़ेगा। निराकार का मतलब क्या? निर्गतः आकारः यस्य सा निराकारः। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि जिसमें जिसका कोई आकार ही नहीं। निराकार का मूल अर्थ है जिससे सब आकार निकले हों, जो क्रिएटर है, रचयिता है। निराकार यदि हम कहेंगे उसको तो फिर उसकी जो रचना है वो भी निराकार होगी, क्योंकि निराकार से निराकार ही निकल सकता है। तो परमात्मा यदि निराकार है तो परमात्मा ने जिस सृष्टि को बनाया वो भी निराकार होनी चाहिए, किंतु वो सृष्टि तो पूरी तरह सबको दिखाई दे रही है। फूल हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पांचों तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि वो भी आकार में है लेकिन तत्वों में जैसा नहीं है, हमारे जैसा नहीं है। अभी एक बार जब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम आए तो एक 20 साल की बच्ची थी, उसने हमसे प्रश्न किया कि हम नहीं मानते कि भगवान है। पहले हम जानते नहीं थे कि ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम से है, तो उसने बड़ा अजीब तरह से प्रश्न किया घुमा करके। वो हमसे सत्य पूछना चाहती थी। उसने कहा कि हम नहीं मानते भगवान है। तो हमने कहा ऐसी बात कैसे कह सकते हैं आप कि भगवान नहीं है। तो बोले कि आप प्रमाण दीजिए कि भगवान है। हमने कहा कि आप अपने को मानते हो कि आप हो। तो उसने कहा हाँ अपने को तो हम मानते हैं। तो हमने कहा कि यदि आप अपने को मानते हो तो आपके पिताजी भी होंगे, उनको भी मानते हो कि वो भी हैं। तो बोले हाँ हम मानते हैं। हम बोले किस आधार पे आप मानते हो कि आप हो और आपके पिताजी ये हैं? बोले हमारा रूप उनका रूप मिलता है, हमारे गुण उनके गुणों से मिलते हैं, हमारा DNA मिलता है, तब हम मानते हैं कि ये हमारा पिता है और ये हमारी माँ है। हमने कहा
कि इसी सूत्र का आधार ही आपके प्रश्नों का उत्तर है। आप शरीर के माता पिता को उनके डीएनए, उनके रूप, उनके नाम से मानते हो, तो शरीर को कौन पैदा किया? शरीर को भी कोई शक्ति है जो चला रही है, वो कौन है? तो उसने कहा कि हम नहीं जानते। हमने कहा कोई तो है ना कि चला रही है, तो उसने कहा हाँ है तो कोई जरूर, इसको तो हम मानते हैं। हम बोले उस शक्ति को जो पैदा किया है, जिस शक्ति से आपका शरीर खड़ा है, उस शक्ति को जो शक्ति देने वाला सर्वशक्तिमान है, वही तुम्हारा बाप है, वही तुम्हारा पिता है। तो उसने अपना परिचय दिया, बोले यही बात आप सबको बता सकते हैं क्या मंच से? हमने कहा अभी नहीं, मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे। क्योंकि सारा झमेला इसी बात पर है, हम खुद को नहीं जानते, खुदा के बारे में बात करने चल दिए। हम खुद को ही नहीं पहचानते, मैं कौन हूं? सबसे बड़ा अद्भुत रहस्य, सबसे गुह्य बात एक ही है, सारे धर्म, वेद, पुराण, कुरान, उपनिषद, दर्शन, जितने भी ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं कि ये हाल कई हाल भर जाएंगे, ग्रंथों की कमी नहीं है। इतना ग्रंथ किस पर लिखा गया? एक परमात्मा को जानने के लिए और आत्मा को जानने के लिए। अभी भी ग्रंथ पर शोध किए जा रहे हैं, जितने भी विद्वान आ रहे हैं वो लिख रहे हैं अपनी तरीके से, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा कि मैं कौन हूं। जिस दिन ये पहेली, जिस दिन ये रहस्य का उद्घाटन हो जाएगा, उसी दिन सारा विश्व एक सूत्र में बंध जाएगा। फिर किसी को यह बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि परमात्मा निराकार है या साकार है। क्षमा करेंगे, हमारी बात थोड़ा सा सत्य बोलने की आदत है, और जो चीज हमको सही लगती है उसको बोलने में हम डरते नहीं, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी की बात हो, चाहे किसी कुमारी की बात हो। हम स्पष्ट हैं, स्पष्टवादी हैं। और जहां तक अभी एक हमारे स्वामी जी चले गए, यतीन्द्रानंद जी, उन्होंने एक बड़ी सी बात कही, हमको अभी अभी स्मरण आया। उन्होंने ये कहा कि राम राज्य, ये सारा प्रोग्राम राम राज्य के लिए रखा गया है, और राम राज्य तब आएगा जब रावण मरेगा। रावण कहां बैठा है? रावण राम के अंदर नहीं, रावण यहां 800 करोड़ जितने लोग हैं उन सब के अंदर बैठा है, और वो जब तक नहीं मरेगा, तो राम मंदिर में राम तो आ गए, लेकिन राम राज्य को लाना है तो हर आत्मा के अंदर रामचरित उतरना उतारना पड़ेगा, तब राम आएंगे। अब वो रामचरित तब अंदर आएगा जब सब हम जानेंगे हु एम आई, मैं कौन हूं। यह प्रश्न ही राम राज्य लाएगा, इसका उत्तर निकालो, मैं कौन हूं, इस पर बोलना चाहिए सबसे ज्यादा। सब चाबियों का, सब तालों की जो चाबी है वो मैं कौन हूं इसी के अंदर है। इसको खोलो, ये खुल जाएगी। हमारे शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत, द्वैत और अद्वैत, द्वैत का मतलब दो, दो का मतलब दुख, मैं और तुम दो हैं तो दुख है, सब एक ही हैं। आत्मना सर्वभूतेषु, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अमीर हो, गरीब हो, जब तक सबके ऊपर समदृष्टि नहीं आएगी तब तक राम राज्य की परिकल्पना कितनी संगोष्ठी करो, कितना भी बोलो, संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने कहा था एक बहुत गजब की बात कि भारत राम राज्य लाना है तो राम राज्य भारत ने लाया, भारत ने लाया। अब भारत से ही भारत का भारत नाम पड़ा देश का, ध्यान रखिएगा। अब भारत कोई धरती का नाम नहीं, भारत ये जो सफेद साड़ी पहने हुए ब्रह्मा कुमारी हैं, यही भारत माता हैं। जब तक ये नहीं आएंगी, अपना कार्य नहीं करेंगी, तब तक भारत में राम राज्य की परिकल्पना नहीं हो सकती। और इन्हीं को परमात्मा ने निमित्त बनाया है, इन्हीं को यह कार्य सौंपा है। यही महिषासुर मर्दनी है, रावण को ढूंढ ढूंढ करके मारेंगी।
अभी तक हमने देखा है ब्रह्मा कुमारी आश्रम की जो बहने हैं, हमने तमाम साधु संतों को 3000 संप्रदाय, हम तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी को संप्रदाय ना कहें। संप्रदाय शब्द इसके लिए छोटा पड़ेगा, क्योंकि जिसकी रचना स्वयं परमात्मा ने की हो, जिसका फाउंडेशन, जिसका क्रिएटर डायरेक्टर स्वयं परम पिता परमात्मा, वो छोटी मोटी संस्था थोड़ी अपनाएगा। बड़ी बात समझने की है। तो हमने ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखा कि वो गली गली जाती हैं, गली गली से लोग नहीं निकलते तो घर में घुस जाती हैं। ऐसी हिम्मत किसी संस्था के, किसी संप्रदाय के, किसी धर्म के लोगों में हमने आज तक नहीं देखी। इतनी हिम्मत, और हिम्मत देने वाला कौन है? स्वयं महाकाल सर्वशक्तिमान, उसी के बल पर ये किसी से नहीं डरती। ऐसी मातृशक्ति भारत माता को हमारा कोटि कोटि अभिनंदन, सत सत प्रणाम है। और हम ये बात बड़े गर्व से कहते हैं, डरते नहीं हम, ये बड़े गर्व से कहते हैं, हम रामानुज संप्रदाय से हैं। और हमारे, हमको एक बार अभी कटनी में हम इसी सम्मेलन में थे, तो एक महाराज जी ने हमसे कहा कि थोड़ा सा धीरे बोला करें। हम बोले ऐसा है कि जो बात पहले तो हम मानते नहीं, पहले उसकी गहराई पे जाते हैं और जानते हैं, और यदि जान लिए हमें बात जच गई तो फिर शिव बाबा भी कहे कि रुक जाओ तो रुकने वाले नहीं हम। इसलिए हम तमाम अपने साथी जो हमारे अयोध्या से आए हैं, अखंडानंद जी, ओमकारानंद जी, उन्होंने बड़ी गजब की बात कही। उनकी बात हमारे दिल को छू गई कि जब तक, उन्होंने बड़ी सुंदर अपनी अनुभव की बात बताई कि उन्होंने अनुभव किया कि उनको कोई दिखा, वो कौन दिखा, कोई उन्हें अन्य कोई दिखा नहीं, यही भारत माता जो बैठी है सफेद साड़ियों में, इन्हीं का उन्होंने महिमा गाया है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उन्होंने इन्हीं माताओं की ही महिमा गाई है। तो परमात्मा अपना कार्य करा रहा है, और एक अंगुली से कोई चीज उठाई नहीं जा सकती, मुट्ठी बंद होगी तभी कोई चीज उठाई जा सकती है। और हम सब जब एक होंगे, और एक मत तभी होंगे जब हम अपने को ये छोड़ दें कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं। एक संकल्प होगा तभी एक परिवार होगा, वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना हमारे महात्मा गांधी और हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने, गीता ज्ञान दाता परमात्मा ने जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना की है, वो तभी साकार होगी जब आत्मवत् सर्वभूतेषु, यही मंत्र है, महामंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। जब तक हम सब, वस्त्र हमारे अलग हो सकते हैं, विचार हमारे अलग हो सकते हैं, घर हमारा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा बाप, हमारा जन्म देने वाला पिता, वो दो नहीं हो सकता, वो एक है, एक था, एक ही रहेगा। उस एक को सिद्ध नहीं करना, सिद्ध करना है खुद को। परमात्मा को सिद्ध ना करें, अपने को सिद्ध करें, मैं कौन हूं, वो तो सिद्ध ही है, वो तो सत्य ही है, उस पर कोई लेप छेप लगा नहीं सकता, किसी तरह भी कोई बोले। तो हमें, हमारे आदरणीय अभी जबलपुर से आए महाराज जी ने एक बात कही कि राम राज्य आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता, कितनी भी ताकत लगा ले, क्योंकि जब राम स्वयं आ गया है राम राज्य स्थापन करने, तो रावण की इतनी दम नहीं है कि कितने देर टिकेगा। अब फिर वो एक साथ नहीं, अभी किसी ने कहा परमात्मा दिखता नहीं, हमने कहा उसके इतने हाथ जो यही तो हैं हाथ जो दिख रहे हैं, कैसे है आपको देखो, आंख खोलो अच्छे से देखो, वही है, शिव ही शक्ति के रूप में उतार लिया है, और वो अपने शक्ति के रूप में काम कर रहा है। जिसे अपनी आत्मा दिखाई दे गई उसको उसकी शक्ति स्पष्ट दिखाई देगी, हमें चारों तरफ उसकी भुजाएं ही दिखाई दे रही हैं, वही है, वही इस कार्यक्रम में यहाँ पर सबसे बड़ी अध्यक्षता कर रहा है। नहीं दिखता है तो उसमें हमारी आंखों का दोष है, आई एम सॉरी। और राम राज्य हम ये मंच से कह रहे हैं, और हम तमाम अपने कथावाचक
अभी एक वक्तव्य सुन रहे थे चैनल में, कृष्णचंद्र ठाकुर जी भागवत के बहुत बड़े कथा वक्ता हैं, उन्होंने 1400 कथाएं कम से कम की हैं। उन्होंने ये कहा, किसी ने उनसे पूछा कि अभी लोग कह रहे हैं कि कलयुग का विनाश होने वाला है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि अभी कलयुग जो है अंगूठे का, पैर का अंगूठा का नाखून बराबर तो आया है, अभी तो कुछ भी नहीं है। 5,400 वर्ष मतलब क्या, कुछ भी नहीं। हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं शास्त्र में जो लिखा है वो जिसने भी लिखा जैसे भी लिखा ठीक है, किंतु यदि हमारे आँख में दिखाई कम देने लगा, पैर हमारे कमजोर पड़ गए, कान में कम सुनाई देने लगा, बाल पक गए, तो ये बुढ़ापे की निशानी है कि जवानी की निशानी है? चारों तरफ एक आत्मा ऐसी नहीं है जिसका मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरा ना हो। चारों तरफ आप आंख उठा के देखो, न्यूज़पेपर खोलो, टीवी खोलो, चारों तरफ ये संकेत दे रही है प्रकृति कि अब प्रकृति बुढ़ी हो गई है, एकदम मरणासन्न हो गई है, हम ही ने बिगाड़ा है। अभी भी हम सोच रहे हैं कि अभी 4,32,000 आएगा तब खेल खत्म होगा, तब तक में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। इसीलिए हम तमाम अपने साधु संत महात्माओं का, अपने गुरुजनों का, अपने महापुरुषों को ये विनम्र निवेदन करते हैं कि जो बात यहाँ हमने अनुभव की है ये सभी अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्सों को बताना होगा कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, परमात्मा आ चुका है, नहीं दिखता है तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, ये बाहर के अंतर्मुखी हो, बाहर मुखी से वही दिखेगा, उसके अलावा कोई दिख ही नहीं सकता। इसलिए अब समय का अभाव है, बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा, सभी बच्चे भूखे हैं बाबा के, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, आप इतनी देर तक बैठे रहे, आपको सत सत प्रणाम। ओम, सभी लोग बोलें ओम शांति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य परमानंद जी। आपने जैसे अखिलेश्वरानंद जी ने ऊर्जा भरी थी, उस ऊर्जा को आप सुप्रीम लेवल तक पहुंचा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।